ने छत्तीसगढ़ को जो रैपिड टेस्टिंग किट भेजा था, आज उसको वापस भेजने के लिए लेटर जारी किया है। क्या कारण है, क्या वजह है कि वो किट को वापस मंगाया जा रहा है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे राज्य कोरोना कंट्रोल डेस्क के पीआरओ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि वो वापस मांग रहे हैं उस किट को। देखिए, कुछ दिनों पहले ही ये किट हमको प्राप्त हुई थी आईसीएमआर के माध्यम से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माध्यम से, और उसके बाद जो है जांच में प्रथम दिन जब इसके जांच इसके आधार पर जब जांच की गई तो कतिपय राज्यों से शिकायत प्राप्त हुई थी आईसीएमआर को कि ये मापदंडों के अनुरूप नहीं है और जैसा इसमें क्लेम किया जा रहा है वैसा उसमें रिपोर्ट नहीं पाई जा रही है। तो उसी आधार पर जो है आईसीएमआर ने उन किटों के आधार पर जाँच करने को पूरी तरह से रोक दिया था, और रोकने के पश्चात जो है उन्होंने अपने स्तर पर उसके अध्ययन कराए आईसीएमआर ने, और अध्ययन के पश्चात आज उनका आदेश जारी हुआ है कि समय जो सप्लाई की गई थी वो किट चाइना की निर्मित किट थी, उसको उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो भी किट्स हैं उनको वापस मंगाया गया है। छत्तीसगढ़ को इस पर 4800 किट प्राप्त हुई थी, जिसमें से हमने केवल कोरबा को प्राथमिक तौर पर, जो कोरबा हमारा हॉटस्पॉट एरिया है इसलिए हमने वहाँ दिया था, और उसमें से लगभग 500 के आसपास किटों का प्रयोग हुआ है, बाकी सारी किटें उनके निर्देशानुसार वापस की जाएंगी। जैसे कि आपने कहा कि उसको गुणवत्ता देखा गया रिसर्च करके, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता जो है उसमें कमी पाई गई है, तो क्या सवाल ये उठता है कि 500,000 जो भी आप लोगों ने किट का इस्तेमाल किया है तो उन लोगों का फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा? निश्चित तौर पर उनकी जांच हमको दोबारा करनी होगी, बेहद जरूरी है ताकि हम सुरक्षित हो जाएं, इसलिए उनकी दोबारा जांच तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अभी आपने डॉक्टर अखिलेश को सुना, जिनका साफ कहना है कि जैसा आदेश मिला है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जितने भी वहाँ पे जितने लोगों पे ये किट का इस्तेमाल हुआ है उनका दोबारा चेक किया जाएगा कि जो किट से जो जांच हुई है उसका सैंपल अब नए किट के द्वारा क्या आता है, ये एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि जो पहले जो जिनका जाँच हुआ है उनका फिर से जाँच किया जाएगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराज कुशवाहा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।